अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू वकार यूट्यूब चैनल ट्रेंड सेटर्स। आज मेरे साथ इलाके के जानी मानी शख्सियत डॉक्टर मोहसिन मौजूद हैं। पिछले 10 साल से ये इलाके की खिदमत कर रहे हैं और इलाके के लोग इनके काम पर बड़ा एतमाद कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो आज मौका मिला है, इन्होंने मुझे टाइम दिया है, इनका बहुत शुक्रिया, कि इनसे पूछा जाए कि अपने प्रोफेशन के हवाले से कैसा काम कर रहे हैं और बाकी जो ये अपना इस फील्ड के अंदर कैसे आए और क्यों इनका दिल किया कि ये इस शोबे को अडॉप्ट करें। तो पहले उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस प्रोफेशनल ये फील्ड में क्यों आए हैं और क्या समझते हैं कि आपने ये जो फील्ड क्यों चूज़ की? एक्चुअली मेडिसिन का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, जिससे लोगों को आपकी वजह से दुखी इंसानियत को फ़ायदा हो सकता है आपकी वजह से। तो इसी बिना पे मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया कि दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ किया? हालांकि आपके पास बहुत ऑप्शन थी कि आप कोई और फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं, ये फील्ड के अंदर क्यों आए? इंसानियत की खिदमत का ही मेन जो मोटो था, इंसानियत की खिदमत के हवाले से ही इस शोबे को मैंने चूज़ किया। ये बताइएगा कि इस जगह के ऊपर बरवाल जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ कितना अरसा आपको हो गया है? मुझे तकरीबन इस फील्ड में 10 साल हो गए हैं। ये 10 साल से आप काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आजकल डिफरेंट तरह की लोगों को बीमारियाँ जो लग रही हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही जिस वजह से लोगों को ये जो आज हर बंदा जो है इस बीमारी में मुबतला है, तो आप बताइएगा असल वजह क्या है? असल में वजह ये है कि हिफ्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं लोग उन पर अमल नहीं कर रहे। जब लोग हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर अमल करेंगे तो उससे बहुत सी डिजीज़ हैं उनसे बचा जा सकता है, बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। जैसे कि आपका टाइम से उठना और टाइम पे सोना और बाकी जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूल हैं, जब वो अपना लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आजकल जो ज़्यादातर लोग मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, तो दोनों में अगर हम डिफरेंट करें, इनको हम अगर डिवाइड करें, तो आप क्या समझते हैं कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक इनमें क्या फ़र्क है? लोग ये पूछना चाह रहे हैं। बुनियादी तौर पे होम्योपैथिक तरीका इलाज बिलमिसल तरीका इलाज है, इसमें क्योंकि बिल्कुल नेचुरल दवाई दी जाती है मरीज़ की कैफियत को देखते हुए, जबकि एलोपैथिक तरीका इलाज क्योंकि बलजिद इलाज है उसमें बिल्कुल अपोजिट ट्रीटमेंट होता है डिजीज़ के, इसलिए यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल नेचर के करीब तरीन इलाज है इसलिए होम्योपैथी है जो वो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। सही। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर जो है हमारा जो इलाका है जहाँ पर हम रहते हैं काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारा इलाका है, इसमें ज़्यादातर कौन सी आप समझते हैं कि लोगों को जो डिज़ीज़ आजकल जो है वो ज़्यादा जो बीमारी लग रही हैं वो ज़्यादा कौन कौन सी आप नज़र में? ज़्यादातर तो जो बीमारियाँ यहाँ पर हैं वो मैदे के अमराज, पेट की बीमारियाँ और स्किन की बीमारियाँ कुछ इस एरिया में ज़्यादा देखी गई हैं। फिर मैदे की ज़्यादातर बीमारियाँ गंदा पानी और कॉन्टिनेटेड फूड वगैरह, इससे ज़्यादातर अमराज हैं। और बाकी जो स्किन की बीमारियाँ और आगे बरसात का मौसम आ रहा है तो उसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो वो ज़्यादा लोगों को होती हैं। तो लोगों क्या सजेस्ट करेंगे आपके, आजकल जो लोग हैं क्या डाइट का ख्याल नहीं कर पा रहे, या आप क्या समझते हैं कि लोग जो हैं ज़्यादातर जो है ये स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लम उनको हो रही है? देखें जी कि लोग जब अपना खाना पीना सादा और सिंपल करेंगे तो उससे बहुत से अमराज हैं जो उनसे बचा जा सकता है। जब आप जंक फूड कम करेंगे और कुदरती और जो सादा गिज़ा है जब वो खाएंगे तो उससे बहुत सी बीमारियों से आप बच जाएँ। आप कहने का मकसद बैलेंस डाइट जो है वो करें और सादा गज़ा जो खाएं उसे, और आजकल आप देख रहे हैं कि एलिमेंट जो है वॉक का, वर्जिश का, वो बड़ा कम हो रहा है लोगों में, इस वाले से आप क्या कहेंगे कि आप लोगों क्या सजेशन देंगे? देखें जी, बात यह है कि जब हम अपनी सेहत पे
सेहत को वक्त नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि फिर आप जब वक्त देंगे तब आपके पास वक्त होगा नहीं। तो उसके लिए बेहतर है कि आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग वॉक करें और अपनी सेहत पे तवज्जो दें, इससे बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आपकी जो एज है वो कुछ बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब ने बड़ी कीमती बातें की हैं जी, और मैं समझता हूँ कि ये जो बातें उन्होंने की हैं अगर आप इनको अडॉप्ट करें तो आप बहुत बीमारी से बच सकते हैं। और होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जिसकी वजह जिसकी मदद से आप बीमारी से बच भी सकते हैं। तो ज़रूर आप इस इलाज को भी तरीका अडॉप्ट करें और आगे मुस्तकबिल करीब में अपनी सेहत को बेहतर करें। डॉक्टर साहब ने जो मशवरे दिए हैं इन पर ज़रूर अमल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। तो मैं डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करूँगा मेरे चैनल के, उन्होंने मुझे वक्त दिया, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर किए, लाइक कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।